मैं चाहता, जाओ और मजलूम फलस्तीनियों के लिए आवाज बुलंद करो। कराची वालों, पाकिस्तानियों, मैंने शबाज शरीफ की तरह ट्वीट नहीं, अक्वामे मुत्तहिदा में जाकर फलस्तीनियों का मुकदमा लड़ा और सीज फायर हासिल करवा के दिया। आज ये ट्वीट करते हैं और फिर कहते हैं बनाएंगे आजादाना खारजा पॉलिसी। साथियों, ये वही पिंडाल है जहां से कुछ अर्सा पहले बिलावल चले थे इस्लामाबाद। हाँ, जानते हो ना बिलावल को? जानते हो? बिलावल चले थे इस्लामाबाद महंगाई के खिलाफ, कि इमरान खान की हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। आज अभी हल्फ नहीं उठाया, अभी काबीना की तश्कील न हो पाई, जुमा जुमा 8 दिन हो गए, 10 रुपए फी किलो चीनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, 30 रुपए किलो घी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 4 रुपए 85 पैसे फी यूनिट बिजली बढ़ी कि नहीं बढ़ी, और अभी तेल की और डीजल की तो कीमत अभी आनी है। इमरान ने तो डीजल को कैद कर दिया था, इमरान ने तो डीजल को फ्रीज कर दिया था, इन्होंने फिर उसको अनफ्रीज करने का फैसला किया है। मेरे साथियों, मैं अगली बात जो कहना चाहता हूं वो ये है, कराची में एमक्यूएम को बड़ा मौका मिला इक्तदार का, हुकूमत का, और हमारे हलीफ भी रहे। अब दास्तान तो सुन लो, दास्तान तो सुन लो, क्या मैं एमक्यूएम के वोटर से मुखातिब हूं जिन्होंने पतंग पर मोहर लगाई? क्या इन 14 सालों में पीपल्स पार्टी की आनी में क्या इन्होंने, पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ इंसाफ किया? बताओ, इंसाफ किया? जो नाले अटे थे साफ किए, पीने का पानी दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी, अमन अमान दिया, रिश्वत से नजात मिली, करप्शन से छुटकारा मिला, तो फिर 3.5 साल आप सिंध की असेंबली में इसी पीपल्स पार्टी को कोसते रहे, कहते रहे कि ये कराची के हकूक पर डाका डाल रहे हैं, कराची के अख्तियारात सलब कर रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात के लिए जो नया कानून बनाया इन्होंने सारे अख्तियारात सूबाई हुकूमत को दे दिए, सरापा सजाज थे आप, आपका साथ किसने दिया? पीटीआई ने दिया, कराची की आवाम ने दिया, और आपने क्या किया? जो आपके अरमानों के कातिल थे आज आप उनकी गोद में जाकर बैठ के क्या फैसला किया आपने? ये कराची के लोग आपसे पूछते हैं कि आपने ये क्या फैसला किया? मेरे दोस्तों, साथियों, यहां सिंध में हमेशा सिंध कार्ड खेला जाता है, को हवा दी जाती है। हम तरीके इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लासानियत को दफन करने, फिरकावारियत को दफन करने और इंसानियत और पाकिस्तानियत को फरोग देने के लिए मैदान में उतरे हैं। साथ चलोगे, कंधे से कंधा मिलाओगे,
हम हैं, जोश है, इरादा है, आजम है, ईमान है, कुवत है, तंजीम है, इमरान तो है। तो साथियों, आज फैसला कर लो कि आप सिंध कार्ड नहीं चलेगा, अब एक कार्ड चलेगा और वो है पाकिस्तान कार्ड। हमने मुझको चर्चा करना है, आपस में परोना है। अल्लाह के बाद सबसे बड़ी कचहरी आवाम की कचहरी है। मैं आवाम की कचहरी से पूछने आया हूं। बिलावल कहता है, मरियम कहती है, ये जो मरासला है, ये साजिश का मरासला जो है, ये इंपोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत करने का मरासला जो है, ये झूठा है, ये दफ्तर खारजा में तैयार किया गया है। आज साबित हो गया कि वो सच्चा है, अल्लाह की अदालत में भी। और अगर शक है तो जुडिशियल कमीशन बना लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं आज कराची के बादशाह लोगों से सवाल करता हूं कि आपकी नजर में, आवाम की नजर में इमरान का मौकिफ और जो इमरान का मरासले के बारे में, इस साजिश के बारे में जो इमरान का मौकिफ है, क्या कराची के लोग उसे तस्लीम करते हैं, उसे सही मानते हैं, वो गलत है या सही है? तो फिर आओ मिलकर साथ दें इन मुसल्लत करदा हुक्मरानों से, नजात पाए। और मैं जाने से पहले तीन नारे और फिर इजाजत। कौन बचाएगा पाकिस्तान? मैं मौका दे रहा हूं, सोच के बोलना, सोच के बोलना। और अगर अभी जहन नहीं बना तो ना बोलना। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? और फिर इमरान को अगर लाना है तो फिर आई 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 आई। मरियम कहती है, ये जो मरासला है, ये साजिश का मरासला जो है, ये इंपोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत करने का मरासला जो है, ये झूठा है, ये दफ्तर खारजा में तैयार किया गया है। आज साबित हो गया कि वो सच्चा है, अल्लाह की अदालत में भी। और अगर शक है तो जुडिशियल कमीशन बना लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं आज कराची के बादशाह लोगों से सवाल करता हूं कि आपकी नजर में, आवाम की नजर में इमरान का मौकिफ और जो इमरान का मरासले के बारे में, इस साजिश के बारे में जो इमरान का मौकिफ है, क्या कराची के लोग उसे तस्लीम करते हैं, उसे सही मानते हैं, वो गलत है या सही है? तो फिर आओ मिलकर साथ दें इन मुसल्लत करदा हुक्मरानों से, नजात पाए। और मैं जाने से पहले तीन नारे और फिर इजाजत। कौन बचाएगा पाकिस्तान? मैं मौका दे रहा हूं, सोच के बोलना, सोच के बोलना। और अगर अभी जहन नहीं बना तो ना बोलना। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? और फिर इमरान को अगर लाना है तो फिर आई 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 आई।